नमस्कार दोस्तों, आपकी नाराज़गी जायज है। दरअसल जब भी यूपी के दो तीन चार चरणों के जो मतदान संपन्न हुए हैं, उनके संपन्न होने के एक दिन के भीतर ही हमने उन सभी सीटों का आकलन कर लिया है जिसमें उन सीटों पर वोट डाले गए। लेकिन जो चौथे चरण का मतदान हुआ 29 अप्रैल को, इसका आकलन लगाने में थोड़ा समय लग गया। दूर का इलाका था, दिल्ली से बहुत दूर का इलाका है, फीडबैक लेने के लिए मुझे बहुत प्रयास करने पड़े, तमाम लोगों से संपर्क करने पड़े। आप लोगों से भी अपील की थी मैंने कि आप लोग भी इसके बारे में बताएं कि इस इलाके में क्या स्थिति आपको नज़र आ रही है। तो सब तरह की चीज़ें मैंने एनालाइज़ की और उसके बाद कहीं जाकर कुछ थोड़ा सा तस्वीर में इसके बारे में बना पाया हूँ। देखिए, चौथे चरण में जो यूपी की सीटों पर मतदान हुआ था, इसमें 14 सीटें थी। 14 सीटों में जो सीटें थी वो थी शाहजहाँपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी और हमीरपुर। इन सीटों पर मतदान एक मॉडरेट टाइप का मतदान हुआ। 50-55 से लेकर 60-65-66% तक मतदान गया। ये एक मॉडरेट टाइप का मतदान है और इसे आप ना तो कम कह सकते हैं ना आप इसे ज़्यादा कह सकते हैं। कुछ सीटों पर ज़रूर मतदान 60% से ऊपर गया, जैसे खीरी और हमीरपुर, झांसी, और यहाँ के समीकरण समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। बहरहाल, अगर बात करें हम अलग अलग सीटों की, इस राउंड की सभी सीटों की अगर हम अलग अलग बात करें, तो परसेंटेज के हिसाब से कुछ आकलन करने का प्रयास मैंने किया है और उसमें से जो जानकारी अभी तक सामने आई है, उस जानकारी के हिसाब से जो मिश्रिख सीट है उस पर 56.33% मतदान हुआ और इस पे बीजेपी के अशोक रावत, बसपा की नीलू सत्यार्थी और कांग्रेस की मंजरी राही, इनके बीच में मुकाबला था। और जो समीकरण कहते हैं वो समीकरण ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गठबंधन और भाजपा में कड़ा मुकाबला हुआ है और यहाँ पर वैसे तो दोनों में से कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी की स्थिति थोड़ी यहाँ अप नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अशोक कुमार रावत, ये 2004 और 2009 में यहाँ से बसपा के सांसद रह चुके हैं, तो यहाँ स्थिति इनकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, बेस इनका काफ़ी है और सभी तरह के जो वर्ग हैं वो इन्हें वोट दे सकते हैं। तो यहाँ ये सीट बीजेपी की तरफ थोड़ा सा इशारा कर रही है। उन्नाव सीट, ये साक्षी महाराज की सीट है, यहाँ पर उन्हें कड़ी टक्कर दी है कांग्रेस की अन्नू टंडन ने। अन्नू टंडन 2009 में यहाँ से सांसद रही थी, एक बिजनेसमैन की पत्नी हैं वो, अब इस दुनिया में नहीं उनके पति, लेकिन उनके बाद उन्होंने कॉरपोरेट अपनी छवि बनाई रखी है। और अन्नू टंडन काफ़ी पॉपुलर फेस है यहाँ का, और यहाँ साक्षी महाराज और अन्नू टंडन के बीच मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ वैसे तो 50-50 लग रहा है, लेकिन अगर मोदी वाला अंडर करंट यहाँ काम करा तो साक्षी महाराज यहाँ से जीत सकते हैं। हालांकि साक्षी महाराज ने पिछले दिनों ये कहकर बड़ी खलबली मचा दी थी कि जो उन्हें वोट नहीं देगा उन्हें मैं श्राप दे दूँगा। खैर, ये बेकार की बेफजूल की बातें हैं, बचकानी बातें हैं, और ये साधु महाराज इस तरह की बातें करते रहते हैं। बहरहाल, यहाँ पर 59.39% पोलिंग हुआ है उन्नाव में, और यहाँ साक्षी महाराज और अन्नू टंडन में मुकाबला मुझे लग रहा है और हो सकता है कि वो जीत जाएं साक्षी महाराज अंत में। फर्रुखाबाद सीट पर जो सिटिंग सांसद हैं मुकेश राजपूत, उन्हीं को भाजपा ने उतारा था, बसपा के मनोज अग्रवाल और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद साहब यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार खुर्शीद साहब चौथे नंबर पर रहे थे यहाँ, और मुकेश राजपूत ने ज़बरदस्त विक्ट्री पिछली बार ली थी, 4 लाख से ज़्यादा वोट लिए थे, और सपा के प्रत्याशी जो दूसरे नंबर पर रहे थे उन्हें 2.5 लाख वोट मिले थे, लेकिन इस बार सपा और बसपा के वोट जुड़ रहे हैं। पिछली बार की बात करें तो सपा के 1.5 लाख और बसपा के 1,14,000 दौड़ दें तो भी
मुकेश राजपूत के बराबर नहीं बैठ रहे हैं। यानी कि वोट ऑफ डिवीजन इस तरह का है यहाँ पर कि इसमें बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश राजपूत मुझे फ़ायदे में नज़र आ रहे हैं, और भले ही गठबंधन हुआ हो लेकिन फर्रुखाबाद से सीट भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीत सकती है। अगली सीट है शाहजहाँपुर, रिजर्व सीट है ये। भाजपा के अरुण सागर, कांग्रेस के ब्रह्मस्वरूप सागर और गठबंधन के अमरचंद जौहर यहाँ से प्रत्याशी हैं, और यहाँ 58.35% पोलिंग हुआ। और मेरी जानकारी के हिसाब से इस सीट पर बीजेपी की स्थिति स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। लखीमपुर खीरी, बीजेपी के सिटिंग सांसद अजय मिश्रा यहाँ से प्रत्याशी हैं, सपा की डॉक्टर पूर्वी वर्मा और कांग्रेस के जफर अली नकवी यहाँ पर हैं मैदान में। और यहाँ पे मुस्लिम वोटों का डिवीज़न होने की वजह से बीजेपी को अच्छे चांस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पोलिंग भी काफ़ी हुआ है, 64.41% हुआ है, और जब भी पोलिंग ज़्यादा होती है तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हो जाती है, उन्हें लगता है कि उनके वोटर घरों से निकले हैं गर्मी के बावजूद और मतदान किया है, तो ये सीट भी बीजेपी की ओर इशारा करती हुई नज़र आ रही है। कन्नौज सीट, इस पर तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर डिंपल यादव सांसद हैं, अखिलेश यादव की पत्नी, और 59.29% पोलिंग हुआ है, और ये सीट गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं, आप लोगों में से भी कुछ ने मुझे कमेंट्स में बताया है कि यहाँ पर जो सुब्रत पाठक हैं भाजपा के, पिछली बार केवल 15-20 हज़ार वोट से ही आ रहे थे डिंपल से, उन्होंने अच्छा कॉन्टेस्ट किया है और हो सकता है कि वे नज़दीकी मुकाबले में पहुँच जाएँ, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी डिंपल यादव ये सीट जीतने में सफल रहेंगी। हरदोई सुरक्षित सीट, 58.16% यहाँ पोलिंग हुआ है, और यहाँ बीजेपी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। 2014 में यहाँ अंशुल वर्मा बीजेपी के सांसद बनी थी और उनका टिकट यहाँ से कटा है। इस बार बीजेपी ने जयप्रकाश रावत को टिकट दिया और कांग्रेस ने वीरेंद्र कुमार वर्मा को, और सपा की उषा वर्मा मैदान में है। उषा वर्मा 98 और 2009 में सपा की यहाँ से सांसद दो बार रह चुकी हैं, और इसके सीट के बारे में कोई ख़ास जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। बड़ा मुकाबला यहाँ पर गठबंधन और भाजपा में नज़दीकी का माना जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने अगर वोट काटे होंगे तो इसका लाभ यहाँ बीजेपी को मिल सकता है और ये सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। इटावा सुरक्षित सीट, रामशंकर कठेरिया भाजपा के, जिन्हें आगरा से यहाँ भेजा गया है, वो केंद्र में मंत्री भी रहे थे, उनका टिकट वहाँ से कटा था और उनका सीधा मुकाबला हुआ है गठबंधन के कमलेश कठेरिया से, और ये सीट गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ 58.51% पोलिंग हुआ है, और आपको मैं बताऊँ कि इस सीट से, इटावा सीट से 1991 में काशीराम जी जो है वो भी सांसद रह चुके हैं, जो बसपा के संस्थापक हैं। यानी कि यहाँ पर दलित वोटों का हिसाब किताब बढ़िया है, और गठबंधन के प्रत्याशी को अगर दलित वोट मिल गए होंगे, हालांकि ये सपा के प्रत्याशी हैं कमलेश, लेकिन अगर उन्हें वोट मिले होंगे दलित वोट, तो उनका चांस यहाँ पर अच्छा बनना चाहिए। अकबरपुर सीट, यहाँ पे बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोले, बसपा की निशा सचान और कांग्रेस के राजा रामपाल के बीच मुकाबला है। भोले 2014 में भी यहाँ से जीते थे, लेकिन इस बार उनकी स्थिति कमज़ोर है। यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी को अच्छे खासे वोट मिले हैं, 55.57% पोलिंग हुआ है यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि इस बार कहीं भोले साहब यहाँ से विदा ना हो जाएं और उनकी सीट ये हाथ से निकल ना जाए। झांसी सीट उमा भारती ने छोड़ी थी पिछली बार, इस सीट पर भाजपा ने उमा भारती की जगह अनुराग शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया, समाजवादी पार्टी ने श्याम सुंदर यादव को, और कांग्रेस के शिव शरण कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ इस चरण में सबसे ज़्यादा 66% पोलिंग हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग ये कह रहे हैं कि ये सीट गठबंधन के खाते में जा रही है, ये एक, अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक होगा, यहाँ पर पिछड़े दलित वोट काफ़ी हैं, और हो भी सकता है, हालांकि यहाँ पर अभी 50-50 है और कहा जा रहा है कि अनुराग शर्मा भी सीट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ क्लोज कॉन्टेस्ट है, दोनों के बीच में अंतर बहुत ही कम रहने जा रहा है। अगली सीट है हमीरपुर, यहाँ से बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल प्रत्याशी हैं,
और बसपा के गठबंधन प्रत्याशी हैं दिलीप कुमार सिंह। यहाँ पर 62.16% पोलिंग हुआ है, लेकिन ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मैदान में मुकाबला बहुत कठिन है यहाँ पर, और बसपा को सपा के भी काफ़ी वोट मिले हैं। कोई मुस्लिम कैंडिडेट और मैदान में यहाँ पड़ा नज़र नहीं आया, इस लिहाज से मुस्लिम वोट भी उन्हें मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टिकट बीजेपी ने चेंज किया है, और जो यहाँ कुंवर चंदेल पिछली बार जीते थे उन्हें 4.5 लाख वोट मिले थे बीजेपी के, और दूसरे नंबर पर सपा के जो विशंबर प्रसाद निषाद रहे थे उन्हें 1,87,000, और बसपा के राकेश कुमार गोस्वामी को 1,76,000। यानी कि दोनों को मिला दूँ तो 3.5 के आसपास बैठता है आंकड़ा। तो इसी वजह से यहाँ बीजेपी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि सपा और बसपा के वोट मिलाकर भी ये भाजपा से ज़्यादा होते नज़र नहीं आ रहे हैं, और पोलिंग भी यहाँ पर 62% ठीक ठाक हुआ है। तो हमीरपुर सीट भाजपा की ओर इशारा कर रही है, चालों अनसुरक्षित सीट। यहाँ पर भाजपा के भानु प्रताप जो सिटिंग एमपी हैं, कांग्रेस के ब्रजलाल खबरी और बसपा के पंकज सिंह गठबंधन प्रत्याशी में मुकाबला था। 57.32% यहाँ मतदान हुआ, और गठबंधन की ओर ये सीट जा रही है, खाता खुल सकता है यहाँ गठबंधन का। कानपुर सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है मुरली मनोहर जोशी साहब की, उनके स्थान पर भाजपा ने यूपी सरकार में मंत्री सत्यदेव पचौरी को मैदान में उतारा, और उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज श्री प्रकाश जायसवाल मैदान में हैं, और गठबंधन के राम कुमार समाजवादी पार्टी से ये मैदान में हैं। हालांकि यहाँ पर स्थिति मजबूत बीजेपी की नज़र आ रही थी, लेकिन पोलिंग जिस तरह से कम हुआ है, केवल 51.56% यहाँ पर पोलिंग हुआ है, उससे ये इशारा अलग हो रहा है कि शायद श्री प्रकाश जायसवाल ये सीट निकाल सकते हैं, गठबंधन के खाते में भी ये सीट जा सकती है। तो इन 14 सीटों का जो समीकरण निकल कर आता है वो आ रहा है 8 और 6 का, यानी कि 8 भाजपा और 6 गठबंधन। लेकिन अगर अन्नु टंडन उन्नाव से और कानपुर से श्री प्रकाश जायसवाल जीतते हैं तो फिर ये आंकड़ा 6-6-2 हो जाएगा। बहरहाल ये तो आकलन है, असली परिणाम तो 23 मई को आएगा, और आप भी अपना फीडबैक देते रहिए, और हम जल्द ही एक और वीडियो लाएंगे उत्तर प्रदेश के अब तक के जितने भी राउंड हुए हैं उन सब का एक कंपाइल्ड वीडियो कि कहाँ कहाँ किस सीट पर कौन आगे चल रहा है। हमने पिछले दिनों एक सर्वे भी किया था, उस सर्वे के भी परिणाम हम उस वीडियो में देंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार अंकल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।